हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक फ्रॉड कस्टमर के बारे में, जिसका आप नाम देख सकते हो सुरेश कुमार है। बट भाई मेरे, इस नाम पे मत जाना, थोड़ा इस एड्रेस पे नोटिस करो। क्या लिखा हुआ है? रति। और इस पिन कोड पे फोकस करना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा गेम। एक्चुअली एक कस्टमर है जो डिफरेंट डिफरेंट आईडी बनाकर प्रोडक्ट मंगाता है और रिप्लेस करता रहता है। मंगवाएगा आम, उधर से भेजेगा लीची, एकदम सेम। देख लो, इस कस्टमर ने मेरे से क्या मंगवाया था, केंट 150 वॉट केंट का हैंड ब्लेंडर मंगवाया था, जिसका कॉस्ट था 1325। उसके बदले में आप सभी को पता ही होगा, अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो, मुझे क्या मिला है, बॉटल। और ये आप चाहो तो ये ऑर्डर आईडी भी मैच कर सकते हो, 25114, यहाँ देख सकते हो 25114। मतलब यहाँ से गया केंट का ब्लेंडर और उधर से आया मेरे को बॉटल, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। सेम कस्टमर नाम बदलकर सेम पिन कोड से मुझे दोबारा अगेन ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही प्लेस है, बट इस बार सुरेश ने सुमित के नाम से बनाया है। और मज़े की बात बता दूं, पिन कोड सेम है बट थोड़ा सा एड्रेस में मॉडिफाई करता है, लैंडमार्क थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करके फिर से सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है। और मज़े की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 90% श्योर हूँ कि ये बंदा फिर वही काम करने वाला है, ब्लेंडर के जगह पे कुछ रॉन्ग आइटम भेजने वाला है। आप देख सकते हो ये डेट क्या है, 7th of August। इतना ही पे ये कस्टमर नहीं माना, फिर नाम बदला और सेम पिन कोड, लैंडमार्क भी चेंज कर दिया और फिर सेम प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, केंट 150 वॉट ब्लेंडर। प्राइस आपको मैं बता चुका हूँ 1325। तो कहने का मतलब क्या है, ये कस्टमर एक ही प्रोडक्ट बार बार मंगवा रहा है और उसके बदले में कुछ भी फर्जी भेज रहा है। ऐसा ये क्यों कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं, केंट कंपनी कर रही है, क्योंकि केंट कंपनी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का कोड दे दी। जब मैं प्रोडक्ट बेचना शुरू किया तो केंट कंपनी को होने लगी प्रॉब्लम। रीज़न क्या है, क्योंकि उनका भी सेलर अकाउंट है अमेज़न के ऊपर, और वो हमारे सेल्स को डाउन करने के लिए पहले तो बोले कि आप प्रोडक्ट बेचना बंद कर दो। तो मैंने उनसे सिंपली रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, मैं आपका प्रोडक्ट बेचना बंद कर दूंगा, जो भी मेरे पास स्टॉक है 2-4 लाख रुपये का, वो आप ले जाओ, अब बदले में मुझे पैसा दे दो। तो केंट ने कहा ठीक है, मैं अपना सारा ऑर्डर आपके पास, जितना भी आपका स्टॉक है मैं पिक कर लूँगा, आपको पैसा दे दूँगा। बट ऐसा उसने बोला दिया नहीं। इवन उनका एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी मेरे पास आया और ऐसा बोला कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा, बट जब मैं रिफ़ंड की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, अभी नहीं, बाद में। बाद में कब, कोई डेट नहीं। और रही बात, मुँह से बोला हुआ बात का कोई भरोसा नहीं होता, और जब केंट बोले, केंट जैसी बहुत अच्छी कंपनी बोले, तब तो बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि चमड़े का जवान हिलाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप बोले हो तो पेपर पे लिख के दो, मेल पर लिख के दो। बट उन्होंने, उनका साफ साफ, मुझे जो ऐसा लगता है, मेरी प्रोस्पेक्टिव व्यू जो है, यही लगता है कि वो बस दुकानदार को बिल कर देते हैं, दुकानदार झेलता रहे। अगर कोई दुकानदार ऑनलाइन बेचता है तो वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। परेशान करने का ये तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट मार्क लोकेशन से वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। बट मेरे पास कोई लीगल प्रूफ तो है नहीं, और शक के आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये बिजनेस है। बट मैं बता दूं, केंट बहुत ही फर्जी कंपनी है। केंट आरओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केंट का अप्लाइंसेस डिवीज़न बहुत ही फर्जी है। मैं उसका बताता हूँ ये करता क्या है। यह कंपनी
जो प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे डिमांड में रहती है वो खुद बेचती है और मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक कर देती है। और जब भी आप ऑर्डर लगाओ, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ऑर्डर लगाता हूँ तो सीधे कह देती है अभी स्टॉक नहीं है, नहीं मिलेगा, बट ऑनलाइन बेचती है, वही कंपनी अपने स्टोर से बेचती है। लेकिन जब ऑनलाइन के उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है, उस कंडीशन में वो रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर को ज़बरदस्ती बिलिंग करती है। हाँ मेरे दोस्त, ज़बरदस्ती कहेगी कि आपको बिल करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोड ब्लॉक हो जाएगा, कोड बंद हो जाएगा, कुछ भी बोलकर आपको इतना मेंटली प्रेशर देंगे कि आपको बिल करवाने पे मजबूर कर देंगे। और इस तरीके से वो अपना डेड स्टॉक जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को फंसा देते हैं। तो मैं केंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ऐसा फर्जीवाड़ा मत करो, अदरवाइज़ कुछ तो लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। और एक क्वेश्चन का आंसर बस दे देना भाई, अगर कभी भी फ्यूचर में वीडियो देखना, मैं केंट कंपनी के ऑनर से बोल रहा हूँ, जो भी हो, पता नहीं कौन है फलाना ढिकाना, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मार्केट में माल बेचना है तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बिकने वाला। और जब आपको खुद ही बेचना है तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर बनाते क्यों हो, सीधे बोलो कि हमको लूटना है, आके गला पे बंदूक रखो, बिहार में ऐसे भी चलता है, बंदूक रखो तुमको लोग ऐसे ही पैसा दे देंगे, क्या ज़रूरत है किसी को बेवकूफ़ बनाते रहने का। चलो मैं अपने गुस्से को यहीं करता हूँ शांत और वीडियो को करता हूँ एग्ज़िट। बस मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखाने वाला था कि एक्चुअल रियल लाइफ में मार्केट में क्या चल रहा है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, बने रहो ऐसे ही सच जानना है तो।